अपने घुटने टेक लेते हैं, और जब इंडिया का किसी से मुकाबला होता है तो जीत हमेशा और हमेशा इंडिया की होती है। ये बात मोदी जी, उनके भक्त और भाजपा अच्छी तरह से समझती है। पिछले 48 घंटों में मोदी जी के दो भाषण सुने, एक सुबह सुना, सरकारी फंक्शन था, 26 मिनट बोले, 13.5 मिनट विपक्ष के खिलाफ जहर उगलते रहे टैक्स पेयर्स के पैसे पर, और शाम को पहली बार एक एनडीए की बैठक करते हुए उन्हें देखा और वहां पर कुछ अनाप शनाप उनके वक्तव्य सुने। मुझे मोदी जी में आज एक दयनीय कायर, वो व्यक्ति नजर आता है जिसको पता है कि उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। एक वो व्यक्ति नजर आता है जो कुछ ही महीनों पहले तक अपना सीना ठोक कर कहता था एक अकेला, और आज उसको समझ में आ गया है कि एक अकेले से बात बनेगी नहीं तो 38 की चिरौरी करने को मजबूर है। एक वो व्यक्ति दिखाई देता है जो डरा हुआ है, जो बौखलाया हुआ है, जो घबराया हुआ है, और जिसको पता है कि खौफ जनता का है, उस जनता का जिसको उसने 9 साल से ऊपर ठगा है, और आज भी ये हिम्मत और ये दम नहीं है कि अपने काम के नाम पर एक वोट मांग ले। आज भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में 9 साल से ऊपर रहने के बाद विष उगलना है, जहर उगलना है, अनाप शनाप बोलना है विपक्ष को लेकर। मैं दो बातें आपसे यहां पर जरूर कहना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी। पहली बात, भ्रष्टाचार पर जो आप बोलते हैं, अरे आपका टर्म पूरा होने को आ गया, 9 साल से ऊपर से सत्ता में आप हैं। अगर एक भी ढंग का केस होता तो जेल में डाल देते आप लोगों को। असलियत यह है, यह सब राजनीति से प्रेरित अपने प्रतिद्वंदियों के साथ शत्रुता निभाने के आपके केसेस हैं, बोगस हैं, और ये कोई भी कोर्ट की स्क्रूटनी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये भ्रष्टाचार का झुंझुना बजाना बंद कर दीजिए, और भ्रष्टाचार की बात आप करनी बंद कर दीजिए। आपकी नाक के नीचे आजाद भारत का सबसे बड़ा अडानी महाघोटाला हुआ, आपने उसको पनपाया, आपने उसको प्रेरित किया, आपने उसको पोषित किया, और आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि अडानी पर एक शब्द बोल दीजिए। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, आपने अपनी पार्टी और अपनी नाक के नीचे वो वॉशिंग मशीन लगाई हुई है जिसमें आप ही के कहे हुए भ्रष्टाचारी धुल धुल कर निकल कर आते हैं गंगा जल से नहाकर, और आप में शामिल हो जाते हैं दाग धब्बे धोकर, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, येदियुरप्पा हो, अजीत पवार हो, आप भ्रष्टाचार के इस दलदल में नाक तक के कीचड़ में सने हुए हैं। तो आप भ्रष्टाचार पर बात करना छोड़ दीजिए, आप तो इतने मजबूर हैं कि जिनको शाम को 70,000 करोड़ घोटाले के लिए अटैक करते हैं, सुबह उनको गले लगाकर सरकार में शामिल करते हैं, और सरकार में शामिल ही नहीं करते, उनके साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करते हैं अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को हटाकर। असलियत आज ये है, आपने इस देश को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि एक दयनीय प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में सना हुआ भ्रष्टाचार के ऊपर वही पुराने झुंझुने बजा रहा है। परिवारवाद, आपने परिवारवाद पर काफी वक्तव्य दिए, परिवारवाद पर बोलने की हिम्मत नहीं आपकी, क्योंकि यहां पर भी उस दलदल में आप ही फंसे हुए हैं। जिन लोगों को आप गले लगा रहे हैं वो सब वंशवादी हैं, जिन लोगों को आप लाए वो वंशवादी हैं, आपकी पार्टी के अधिकांश नेता वंशवादी हैं। इसलिए परिवारवाद पर जहर उगलना बंद करिए। ये स्क्रिप्ट 10 साल पहले चल जाती थी, अब ये स्क्रिप्ट चलेगी नहीं। आप जातिवाद पर बोलिएगा, उत्तर प्रदेश में राजभर और निषाद को लेकर आपकी घूमने की जो मजबूरी है वो जातिवाद का जीता जागता उदाहरण है। जब आपकी मंत्रालय का एक्सपेंशन होता है तो ये बताया जाता है कौन फला किस जाति का है, किस जाति को कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। जातिवाद पर जितना जहर आपने घोला है उतना किसी ने नहीं घोला है। मुझे हंसी तो आपकी भाव भंगिमा पर आती है, जो आप हाथ नचा नचा कर, मुंह बना बना कर, जो आवाज बदल बदल कर बोलते हैं, एक बड़ी दयनीय स्थिति नजर आती है प्रधानमंत्री की, जिसके हाथ से सत्ता और पावर छूटने वाला है। तो भ्रष्टाचार पर, जातिवाद पर और परिवारवाद पर बोलने की हिम्मत आप बिल्कुल मत करिए। लेकिन एक बात मुझे आपसे जरूर बोलनी, आज ये देश आपसे सुनना चाहता है मणिपुर पर, आज ये देश जानना चाहता है टमाटर 300 रुपए किलो पर क्यों बिक रहा है,
वो बोलने की हिम्मत आपकी नहीं है। आज ये देश जानना चाहता है इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि विदेशी ताकतों को लगता है किसकी सरकार बनेगी। हमारे देश के चुनावों में, हमारी देश की राजनीति में आपकी हिम्मत कैसे होती है विदेशी ताकतों और विदेशी देशों की दखलअंदाजी करने की? और किस मुगालते में जी रहे हैं आपको क्या लगता है? आपको इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आप नरेंद्र मोदी हैं, या इसलिए इन्वेस्टमेंट आता है या नहीं आता है क्योंकि आप नरेंद्र मोदी और भाजपा के हैं? इस देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है इसलिए आपको बुलाया जाता है? हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है इसलिए आपका सम्मान होता है? आप अपने हर विदेशी दौरे से पहले एक डील कर देते हैं इसलिए आपका सम्मान होता है? इसलिए अनर्गल बातें करना बंद कर दीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज देखकर अच्छा लगा, आप पुनः अटल अडवाणी के पीछे जा खड़े हुए। आपको 9 साल में पहली बार एनडीए की बैठक करनी पड़ गई। 38 ऐसे घटक दल बुला लिए जिन 24 के पास तो 0 एमपी है, 7 के पास 1 एमपी है, अधिकांश पार्टियों का पता ही नहीं है ये किस घटक दल के घटक दल हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा देखकर कि आपको उनकी चिरौरी करनी पड़ रही है। आप जब हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के ये कहते हैं ना, पिछले 9 साल में मैं आपसे मिल नहीं पाया व्यस्तता से, आप बुरा मत मानिएगा। या जब आप कहते हैं ना कि मेरी एसपीजी ने कभी शायद आपको बैठने का मौका ना दिया हो, आप बुरा ना मानिएगा। या जब आप कहते हैं ना कि कार्ड पर कभी आपका नाम ना छपा हो, आप बुरा ना मानिएगा। तो वो दिखाता है कि अपने घटक दलों के साथ बदसलूकी जो आपने की है 9 सालों में, उसका प्रायश्चित करने की अब आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुनाह की सजा होती है, गुनाह का प्रायश्चित थोड़ी होता है। तो घटक दल जिनका जमावड़ा आपने लगाया है, और इसलिए लगाया क्योंकि आपको समझ में आ गया कि सामने समूचा विपक्ष खड़ा है और पैरों के तले से जमीन खिसक रही है। गिड़गिड़ाना आपका अच्छा लगा क्योंकि यह दिखाता है कि जनता का खौफ अभी कहीं है। आपको पता है कि जिस जनता को आपने 9 साल से ऊपर ठगा है, वो जनता हिसाब मांगेगी और आप सिर्फ लच्छेदार बातें करेंगे। अंत में लेकिन आपसे एक ही बात कहती हूं, और ये बात कहनी जरूरी है, इस बार आपका मुकाबला विपक्ष से, हमसे, विचारधारा से नहीं, इस बार आपका मुकाबला इंडिया से है। और जब इंडिया के सामने कोई खड़ा होता है तो मुंह की खाता है, क्योंकि जीत तो हमेशा इंडिया की होती है। आप अपने चरण चुंबकों को, अपने बड़बोले नेताओं को, अपने बददिमाग प्रवक्ताओं को यह तो सिखाइए कि हमसे नफरत करने के चक्कर में इंडिया का दुष्प्रचार तो ना करें। इंडिया तो आप बनाने वाले थे, न्यू इंडिया, और आज उसी इंडिया को गरिया रहे हैं आप लोग मिलकर। हो क्या गया आपको? यह देश सब कुछ सहेगा, यह देश अपना अपमान, अपनी बदसलूकी और अपने खिलाफ दुष्प्रचार नहीं सहेगा। और याद रखिएगा, भारत जुड़ेगा और जीतेगा इंडिया। इसको ना आप, ना आपकी पार्टी, ना कोई ताकत रोक सकती है। हमने भारत भी जोड़ा है और हम इंडिया को भी जिता कर दिखाएंगे।